नमस्कार दोस्तों, पिछली बार हमने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज हम भोजन के घटक के प्रमुख कार्य क्या है उनके बारे में विस्तार से करेंगे। दोस्तों तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। नंबर एक था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, लवण, जल और एक का दोस्तों खाद्य। तो इन सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है शरीर के अंदर, इसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, प्रोटीन का क्या कार्य है, विटामिन का क्या कार्य है, वसा का क्या कार्य है, खनिज लवण का क्या कार्य है, जल और खाद्य रस। इन सब के फंक्शन के बारे में या कार्य के बारे में, यह शरीर के अंदर पहुँचने के बाद क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। नंबर एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत हमने पहले ही पढ़ा था दोस्तों जितने भी अनाज है, अनाज के अंतर्गत दोस्तों गेहूं, चावल, मक्का, आदि, ये सभी दोस्तों ऊर्जा देने वाले भोजन हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। नंबर दो है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के अंदर टूट फूट के मरम्मत करता है दोस्तों, और नई नई कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करता है दोस्तों। मांसपेशियों की मजबूती, मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है दोस्तों। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई। अब हम आगे लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों आपको पता होगा कि शरीर की मजबूती के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और प्रोटीन से मांसपेशियों की मजबूती होती है दोस्तों, और ये मांसपेशियों के मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, शरीर की पुष्टि के लिए जरूरी है। और प्रोटीन किस किस से मिलता है दोस्तों, हमने पढ़ा था दालें, मटर, सोयाबीन आदि। दोस्तों सोयाबीन के अंदर हमने पढ़ा था 98% तक प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी है दोस्तों शरीर के लिए। उसके बाद नंबर तीन पर आता है विटामिन्स। विटामिन्स मैंने आपको बताया था दोस्तों फलों से मिलता है, जितने भी प्रकार के फल होते हैं उनके अंदर विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स का निर्माण दोस्तों कई प्रकार के जो विटामिन्स है, जैसे विटामिन डी है दोस्तों, इसका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, और विटामिन का निर्माण जैसे शरीर के अंदर नहीं होता है दोस्तों, इनको सप्लीमेंट के तौर पर बाहर से लेना पड़ता है फलों के द्वारा। और विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से मिलता है दोस्तों। तो विटामिन का क्या कार्य है दोस्तों, विटामिन कोशिकाओं की जो टूट फूट की मरम्मत है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और त्वचा के निखार के लिए विटामिन्स बहुत जरूरी है। तो देखो दोस्तों विटामिन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं, विटामिन्स बहुत जरूरी है दोस्तों। उसके बाद है वसा, नंबर चार पर आती है वसा। वसा को भी ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कहा जाता है दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन, और वसा से प्रमुख रूप से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वसा किस किस से मिलते हैं दोस्तों, चिकनाई युक्त भोजन, चिकनाई
युक्त भोजन, चिकना युक्त भोजन से वसा मिलती है दोस्तों, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, सूखे मेवे हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, पनीर है, दूध है, घी है, इन सब से वसा मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो घी होता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको वसा मिलती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खनिज लवण, नंबर 5 पर है खनिज लवण। खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम। कैल्शियम शरीर की जो शरीर के अंदर हड्डियां होती है, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। फॉस्फोरस भी हड्डियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों। तो ये कैल्शियम जो है हमें दूध से मिलता है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा। कैल्शियम और फॉस्फोरस और जितने भी प्रकार के, कई प्रकार के दोस्तों खनिज लवण है, जैसे पत्ता गोभी है, मूली है, मकई है, तो इनसे कई प्रकार के खनिज लवण मिलते हैं दोस्तों। और खनिज लवण से हमारे जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं की जो मरम्मत होती रहती है दोस्तों, और कोशिकाएं सुदृढ़ होती है खनिज लवण से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जल। जल शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों। हमारे शरीर का 70% जो भाग है जल से बना हुआ है, और जल ही जीवन है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो दोस्तों देखो, जल के बिना हम नहीं रह सकते बिल्कुल भी, खाने के बिना हम 2-3 दिन तक रह सकते हैं दोस्तों, लेकिन जल के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और उसके बाद खाद्य रस आते हैं दोस्तों। खाद्य रस ऐसे सप्लीमेंट होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं दोस्तों, भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं, इनको खाद्य रस कहा जाता है। जैसे आम है दोस्तों, मक्का है दोस्तों, ठीक है, पत्ता गोभी है दोस्तों, इनको खाने से हमारा, जैसे पालक है दोस्तों, तो इनको खाने से हमारा जो पाचन की क्रिया है वो दुरुस्त होती है दोस्तों, और भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर।